भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। उनकी माता कमला नेहरू थी और उन्होंने फिरोज खान से शादी की। उनके दो बेटे हुए, राजीव गांधी और संजय गांधी। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। सत्ता में उनका आना भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। परंपरागत रूप से पुरुष प्रधान क्षेत्र में एक महिला इंदिरा गांधी ने कांच की छतों को तोड़ा और लाखों लोगों के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन गई। प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल जीत और चुनौतियों दोनों से भरा रहा। उन्होंने युद्धों के दौरान भारत का नेतृत्व किया, हरित क्रांति की देखरेख की और बांग्लादेश की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंदिरा गांधी की हत्या की वजह बने असंतोष के बीज ऑपरेशन ब्लू स्टार के आसपास की घटनाओं में बोए गए थे। 1980 के दशक की शुरुआत तक सिख अलगाववादी आंदोलन, जो खालिस्तान के एक स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहा था, ने पंजाब में गति पकड़ ली थी। इस आंदोलन का केंद्र अमृतसर में स्वर्ण मंदिर था, जो सिख धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। जरनैल सिंह भिंडरावाले, एक करिश्माई और उग्रवादी नेता, ने मंदिर परिसर के भीतर शरण ली थी। भिंडरावाले और उनके अनुयायियों ने मंदिर को किलेबंदी में बदल दिया था। बढ़ते उग्रवाद से निपटने के लिए बढ़ते दबाव का सामना कर रही भारत सरकार ने सैन्य कार्रवाई करने का फैसला किया। जून 1984 में इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को अधिकृत किया, जो भिंडरावाले और उनके अनुयायियों को स्वर्ण मंदिर से हटाने के लिए एक सैन्य अभियान था। यह ऑपरेशन अपने उद्देश्य में सफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप मंदिर परिसर को काफी नुकसान पहुंचा और सिखों में व्यापक आक्रोश फैल गया। उनके सबसे पवित्र मंदिर को अपवित्र करने से सिख मानस में एक गहरा घाव रह गया, जिससे विशेष रूप से भारत सरकार और इंदिरा गांधी के प्रति क्रोध और आक्रोश फैल गया। 30 अक्टूबर 1984 की शाम को उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक सभा आयोजित हुई। इसमें इंदिरा गांधी ने अपने भाषण में कहा, आज मैं जिंदा हूँ, शायद कल न रहूं, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। मैंने एक लंबी जिंदगी जी है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा में बिताई है। अपनी आखिरी सांस तक मैं सेवा करती रहूंगी। मेरे खून की हर एक बूंद भारत की एकता को मजबूत बनाएगी। इसके अगले दिन 31 अक्टूबर 1984 की सुबह इंदिरा गांधी की ब्रिटिश अभिनेता पीटर यूस्टिनॉफ से मुलाकात होने वाली थी, जो उनके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। जैसे ही वह नई दिल्ली में एक सफदरजंग रोड पर अपने आधिकारिक आवास के बगीचे से गुजरी, उनके दो सिख अंगरक्षक बेअंत सिंह और सतवंत सिंह आगे आए। उन्होंने अपने सर्विस हथियारों से गोलियां चलानी शुरू कर दी और उनके शरीर में गोलियां दाग दी। इस हत्या ने पूरे भारत और दुनिया को झकझोर कर रख दिया। भारतीय राजनीति की एक महान हस्ती प्रधानमंत्री को उनके ही अंगरक्षकों ने मार डाला था, जिन लोगों को उनकी सुरक्षा सौंपी गई थी। राष्ट्र ने अपने नेता के खोने का शोक मनाया और अविश्वास और दुख की एक सामूहिक भावना ने भारत को अपनी चपेट में ले लिया। यह हत्या भारतीय इतिहास में एक वॉटरशेड मोमेंट था, जिसने एक युग का अंत किया और राष्ट्र के भविष्य पर एक लंबी छाया डाली। इसने भारतीय समाज के भीतर गहरे बैठे विभाजनों को उजागर किया और धार्मिक उग्रवाद और राजनीतिक हिंसा के खतरों को उजागर किया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद स्वतंत्र भारत के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक देखा गया, 1984 के सिख विरोधी दंगे। गुस्से और बदले की प्यास में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में भीड़ ने सिखों और उनके व्यवसायों को निशाना बनाकर उत्पात मचाया। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा सुनियोजित और उकसाए गए दंगों में अकथनीय क्रूरता देखने को मिली। सिखों को उनके घरों और व्यवसायों से घसीटा गया, बेरहमी से पीटा गया और जिंदा जला दिया गया। हिंसा पर सरकार की प्रतिक्रिया धीमी और अपर्याप्त थी, जिससे दंगाइयों का हौसला और बढ़ गया। 1984 के सिख विरोधी दंगे भारत की आत्मा पर एक काला धब्बा बने हुए हैं, जो सांप्रदायिक सद्भाव की नाजुकता और अनियंत्रित घृणा और हिंसा के विनाशकारी परिणामों की याद दिलाते हैं। दंगों ने सिख मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे भारतीय राज्य के प्रति अलगाव और अविश्वास की भावना गहरा गई। इंदिरा गांधी की हत्या भारत की सीमाओं से बहुत दूर तक गूंजी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सदमे की लहर दौड़ गई।
विश्व नेताओं ने अपनी संवेदना व्यक्त की और इस कृत्य की निंदा की एक वैश्विक राजनेता के नुकसान को स्वीकार करते हुए। इस हत्या ने राजनीतिक नेताओं की भेद्यता को उजागर किया, यहां तक कि सबसे सुरक्षित वातावरण में भी। इसने धार्मिक उग्रवाद के बढ़ते खतरे और राष्ट्रों को अस्थिर करने की इसकी क्षमता के बारे में भी चिंताएं पैदा की। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने सांस रोककर देखा, क्योंकि भारत हत्या और उसके बाद हुए सिख विरोधी दंगों के बाद जूझ रहा था। भारत में हुई घटनाओं ने शांति की नाजुकता और मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के महत्व की कड़ी याद दिला दी। इस हत्या ने आतंकवाद का मुकाबला करने और उग्रवाद के मूल कारणों को दूर करने में वैश्विक सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उनके समर्थक उनकी उपलब्धियों की ओर इशारा करते हैं, जिनमें हरित क्रांति, बांग्लादेश की मुक्ति और विश्व मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने के उनके प्रयास शामिल हैं। वे उन्हें एक करिश्माई नेता के रूप में याद करते हैं, जो जनता से जुड़ते थे और गरीबों और हाशिए पर रहने वालों के लिए आवाज उठाते थे। दूसरी ओर उनके विरोधी उनके कार्यकाल के दौरान लगाए गए आपातकाल, उस अवधि के दौरान की गई ज्यादतियों और पंजाब संकट से उनके निपटने पर प्रकाश डालते हैं। उनका तर्क है कि उनके कार्यों ने लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर किया और विभाजन और हिंसा के बीज बोए। इंदिरा गांधी की विरासत जीत और त्रासदियों, सफलताओं और असफलताओं से बुनी गई एक जटिल टेपेस्ट्री है। इंदिरा गांधी की हत्या के मद्देनजर उनके बेटे राजीव गांधी को राजनीतिक सुर्खियों में ला दिया गया। पहले तो अनिच्छुक वह अंततः प्रधानमंत्री के पद को संभालने के लिए सहमत हो गए, इस उम्मीद में कि वह दुहक और हिंसा से फटे हुए राष्ट्र को ठीक कर सकेंगे।